हेलो डियर फ्रेंड्स, ये मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैक्टर प्लेट्स में स्वागत है आप सभी का। हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जो रीट की अभी कट ऑफ गई है, लेवल वन की, लेवल टू की एग्ज़ाम थी उसको तो रद्द कर दिया गया है, लेकिन लेवल जो वन की कट ऑफ है ये भी बहुत ज़्यादा हाई गई है। जनरली किसी ने सोचा तो सब ने था, क्योंकि सबको लगभग पता है कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अभी कट ऑफ फाइनल कट ऑफ देखने में आई है राजस्थान की, तो वो उसके ऊपर काफ़ी मुद्दे उठे हुए हैं। इस बार दोबारा से ये शुरू हो गया है कि रीट कट ऑफ के बारे में राजस्थान में जो विवाद है ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेवल टू का एग्ज़ाम रद्द होने के बाद लेवल वन की हाई कट ऑफ ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। सामान्यतः जो कट ऑफ है जनरल की 130 गई है, और 130 नंबर जो आए हैं जिनके, उनका भी कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका चयन हो ही जाए, क्योंकि अभी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ गई है वो 130 नंबर है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने 15,500 वैकेंसी है, जिस पर 31,000 स्टूडेंट्स को इन्होंने बुलाया है। तो आप देख सकते हैं अभी जस्ट डबल स्टूडेंट को इन्होंने बुलाया है, तो जो इसकी फाइनल कट ऑफ जाएगी वो फाइनल कट ऑफ इसकी और भी ज़्यादा जाएगी, हाई जाएगी। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भाई इसकी कट ऑफ क्यों इतनी 130 इतनी हाई गई है, 130 नंबर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही। जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि जो सामान्य वर्ग की कट ऑफ है, जैसे कि सामान्य वर्ग की कट ऑफ 130 नंबर गई है। अब मैं आपको बताऊं पुराना डाटा की 2015 की बात करें हम, 2015 में 118 नंबर गई थी इसकी, जो अभी 130 गई है। और जो 2017 की बात करें तो 2017 में 111 नंबर कट ऑफ इसकी गई थी, लेकिन इस बार गई है 130। रीट में पहली बार 4,000 अभ्यर्थियों के 90% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। 90% आप सोच सकते हैं, 90% से भी ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, और वो भी 4,000 बच्चों के। 2015 में 70% और 2017 में 75% अभ्यर्थियों के ही इतने नंबर आए थे, 60-70%। मतलब 60-70% मार्क्स लाने के लिए भी ओनली 70-75% ही अभ्यर्थी रहे थे, जबकि इस बार 90% से ज़्यादा आ रहे हैं 4,000 लोगों के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2021 में 70% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने लेवल वन में 80% से ज़्यादा अंक हासिल किए हैं। 70% ने तो 80% से भी हाई लेवल पे ले आए, जबकि यहाँ पे 60-70% भी नंबर नहीं आ पा रहे थे। तो अपन इसमें इसी वजह से इसकी आशंका जताई जा रही है कि क्यों इतनी हाई लेवल की कट ऑफ गई है, इसको लेकर के जो उपेन यादव है, बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष, बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष है उपेन यादव, उन्होंने इसमें धांधली का आरोप लगा के हुए बोला है कि लेवल कट वन की जो कट ऑफ है उसने अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, 1,000 छात्रों के मन में लेवल वन को लेकर भी असंतोष बन गया है। अभी तक हम बात कर रहे थे लेवल टू में, लेवल टू का तो सबको पता है कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ हुई है तो उसे रद्द कर दिया, लेकिन वन की जो कट ऑफ गई है इसको देखकर भी सभी को इसमें भी धांधली की आशंका लग रही है, ये उपेन यादव जी ने बोला है। तो इसकी रीट की, इसकी भी सीबीआई से निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए, तभी असली गुनहगारों का पता लग सकेगा। मेनली सबसे बड़ी बात है कि गुनहगार जो है उनका पता लगाना, इसमें इनका ज़रूर पता होना चाहिए, वरना आगे भी ऐसे करते रहेंगे। तो भर्ती में देरी की वजह, जो बीडी कल्ला जी हैं हमारे अध्यक्ष, उन्होंने बोला है कि इसकी निष्पक्षता से पूरी हुई है इसकी प्रक्रिया। जो शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला हैं उनका बयान है, लेवल वन की प्रक्रिया निष्पक्षता से पूरी हुई है, सरकार एक महीने में लेवल वन के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की तैयारी कर रही है। ये चीज़ भी बड़ा बयान है इनका, एक महीने के अंदर ही आपकी इसको इनको नियुक्ति मिल जाएगी। ऐसे में बेवजह लोग इस प्रक्रिया में देरी पैदा करना चाहते हैं, ये उपेन यादव जी के बोलने पर इन्होंने बीडी कल्ला का बयान आया है। आप देख सकते हैं जो रीट लेवल वन की इस बार कट ऑफ गई है वो कितनी है, आई गई है 130 गई है आपकी सामान्य जनरल की, जो महिलाएं हैं विधवाओं की 93, और ये इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, 124 गई है ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 127, एमबीसी 122, ये इस बार की कट ऑफ गई है। तो इसको देखकर के कट ऑफ को देखकर आशंका जताई जा रही है,
और यहाँ तक कि जो सहायक प्रोफेसर है असिस्टेंट प्रोफेसर जयंती खंडेलवाल, इन्होंने कहा है कि लेवल टू में जिस तरह की गड़बड़ियाँ सामने आई है उससे लेवल वन में भी चीटिंग की आशंका बढ़ी हुई है कि भाई लेवल टू में हुई है तो वन में भी हो सकती है। पहली बार रीट में इतनी हाई कट ऑफ गई है, ऐसे में आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि लेवल टू की तरह लेवल वन का भी पेपर लीक हुआ हो। ये बयान है जयंती खंडेलवाल का, प्रोफेसर का, ये दैनिक भास्कर में न्यूज़ आई है उसके बारे में, उसकी कटिंग है तो आप देख सकते हैं। इसके बाद भरतपुर में जो है इन्होंने जो चेक किया गया, भरतपुर में 2009 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। ओनली भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से ही 2009 अभ्यर्थियों का चयन होना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। देखिए 15,500 जो सीट है आपकी उनका है, उनके लिए जो डबल कैंडिडेट बुलाए हैं, ठीक है। तो वहीं जयपुर की बात करें, हम जयपुर में कितने हैं तो जयपुर की बात करें, जयपुर में आप 1452 हैं जबकि भरतपुर में 2009, बाड़मेर में 1428, मतलब 1500 से ऊपर तो किसी में है ही नहीं है। ओनली भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से आपके 2009, इतने बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट है, जयपुर और बाड़मेर भी बड़ा है, अलवर भी काफ़ी है, लेकिन इनसे आपके 1300-1400 है, जबकि जोधपुर में है, जोधपुर से 1800-1000 सिलेक्शन हुए हैं। तो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से अकेले से 2009 सिलेक्शन आशंका जताता है। कितने स्टूडेंट डीवी के लिए इन्होंने बुलाया, आप देख सकते हैं कि 11,500 नॉन टीएसपी की सीट थी जिसमें इन्होंने 22,000, मतलब जस्ट डबल इन्होंने बुलाए हैं। यहाँ 3500 टीएसपी की थी तो इन्होंने 68,041 बुलाए हैं। नॉन टीएसपी की जो विशेष शिक्षा है उसके लिए 870, मतलब जस्ट डबल इन्होंने 15,500 के डबल कैंडिडेट 30,733 बुलाए हैं फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस बार की इन सब जो प्रॉब्लम्स हैं हुई है रीट में, जैसे कि धांधली हुई या फिर कुछ भी आप मान सकते हैं, क्यों इसकी पेपर सिंपल आ गया हो या कोई और वजह रही हो, तो इन सब की वजह से हम फाइनल कट ऑफ का जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है 140 नंबर का फाइनल कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। एजुकेशनल काउंसलर जितेंद्र सिंह ने बताया है कि रीट लेवल वन में 2017 के रिजल्ट के मुकाबले 2021 की कट ऑफ में 19 नंबरों का अंतर है। आपको भी दिख गया कि वही 2017 में जो कट ऑफ गई थी उससे 2019 में 19 नंबर ज़्यादा है। तो जो फाइनल कट ऑफ जाएगी 31,000 अभ्यर्थियों के वेरिफिकेशन के बाद, जो 15,300 जो कैंडिडेट्स ये लेंगे उनकी जो फाइनल कट ऑफ जाएगी, तो 130 अभी गई है तो 140 तो जनरली आइडिया लेकर इसका चल ही रहे सब लेवल। तो सबको लग रहा है लेवल वन को लेकर आरोपों की निष्पक्षता की जाँच होनी चाहिए, जो भी आरोप इस पर लगाए जा रहे हैं बेरोजगारों के लोगों के द्वारा, कि भाई इसमें जो धांधली हुई है उसकी भी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, जांच में कोई बुराई नहीं है। यदि कोई भी इसमें भी पकड़ा गया है तो उसको जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे भी एग्जाम्स होती रहेंगी, उनमें भी वो लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।